Hi friends, welcome to your channel, you number one. Friends, 14th October 2022 में हिंदी फर्शन में रिलीज हुआ लीड रोल एंड डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी का कंतरा मूवी ने हिंदी फर्शन में ओपनिंग डे में तो कमजोर कलेक्शन किया था, बट उसके बाद से मूवी कलेक्शन धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। बट इस वीक में यानी फिफ्थ वीक में मूवी कलेक्शन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट फिर भी जबरदस्त है। मूवी ने इस वीक में यानी फिफ्थ वीक में हिंदी फर्शन से कलेक्शन किया है 9.50 करोड़, जहाँ पर काल ने 36 डे में कलेक्शन किया है 60 लाख, जिसके चलते मूवी का हिंदी वर्षन में टोटल कलेक्शन हो चुका है 79.85 करोड़, जो मूवी का बजट को देखते हुए हिंदी वर्षन में ब्लॉकबस्टर हिट कलेक्शन है। जहाँ पर 30 सितंबर 2022 में कर्नाटका में रिलीज हुआ कांतारा मूवी का जबरदस्त कलेक्शन के साथ कांतारा मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन कर चुके हैं लगभग 367 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो मूवी का बजट जस्ट 16 करोड़ को देखते हुए ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट मूवी है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं ब्लैक एडम मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर 2022 में इंडिया में रिलीज हुआ ब्लैक एडम मूवी ने ओपनिंग डे से ही इंडियन बॉक्स ऑफिस में ठीक ठाक कलेक्शन किया था। बट इस वीक में फोर्थ वीक में मूवी ने थोड़ा सा कमजोर कलेक्शन किया है। मूवी ने इस वीक में फोर्थ वीक में इंडिया से कलेक्शन किया है जस्ट 60 लाख अप्रोक्सीमेटली। सो नाउ इंडिया में मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हो चुका है 48.73 करोड़, जो इंडिया में एक हिट कलेक्शन है। जहाँ पर इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताया तो फ्रेंड्स, 200 मिलियन डॉलर बजट का ब्लैक एडम मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन कर चुका है 354 मिलियन डॉलर, यानी 2885 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो वर्ल्ड वाइड में बहुत बढ़िया कलेक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं थैंक गॉड मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, 25th अक्टूबर 2022 में अजय देवगन का थैंक गॉड मूवी ने ओपनिंग डे से लेकर ओपनिंग वीक तक इंडियन बॉक्स ऑफिस में कमजोर कलेक्शन किया था। जहाँ पर सेकंड वीक में तो मूवी कलेक्शन और भी ज्यादा कमजोर होता है। इस वीक में थर्ड वीक में मूवी ने बहुत ही कमजोर कलेक्शन किया है। मूवी ने थर्ड वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 35 लाख। सो नाउ मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हो चुका है 34.89 करोड़, जो मूवी का बजट 90 करोड़ को देखते हुए फ्लॉप कलेक्शन है। एंड मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताया तो फ्रेंड्स, मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन कर चुका है 48.92 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं इस मूवी के साथ रिलीज हुआ राम सेतु मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, राम सेतु मूवी ने ओपनिंग डे में तो ठीक ठाक कलेक्शन किया था, बट मूवी का ओपनिंग वीक कलेक्शन उतना बढ़िया नहीं था। जहाँ पर मूवी का सेकंड वीक कलेक्शन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हुआ था। एंड इस वीक में तो मूवी ने और भी ज्यादा कमजोर कलेक्शन किया है। मूवी ने थर्ड वीक में कलेक्शन किया है 1.75 करोड़, जिसके चलते मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हो चुका है 71.62 करोड़, जो मूवी का बजट लगभग 120 करोड़ को देखते हुए फ्लॉप कलेक्शन है। जहाँ पर मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताया तो फ्रेंड्स, मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड से कलेक्शन कर चुके हैं लगभग 92.80 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं डबल एक्सएल मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स, डबल एक्सएल मूवी ने ओपनिंग डे से लेकर ओपनिंग वीक तक बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन किया था। जहां पर इस वीक में यानी सेकंड वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 1 लाख। सो नाउ मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हो चुका है 61 लाख, जो मूवी का बजट को देखते हुए सुपर फ्लॉप कलेक्शन है। इस मूवी के साथ रिलीज हुआ मिली मूवी ने भी ओपनिंग डे से लेकर ओपनिंग वीक तक बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन किया है। एंड मूवी ने इस वीक में यानी सेकंड वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 3 लाख। सो मिली मूवी का टोटल लाइफ टाइम कलेक्शन हो चुका है 2.27 करोड़, जो मूवी का बजट को देखते हुए सुपर फ्लॉप कलेक्शन है। जहाँ पर इन दोनों मूवी के साथ रिलीज हुआ फोन बुट मूवी का कलेक्शन इन दोनों मूवी से बेहतर तो है, बट मूवी का कलेक्शन ओपनिंग डे से लेकर ओपनिंग वीक तक बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एंड इस वीक में तो मूवी ने और भी ज्यादा कमजोर कलेक्शन किया है। फोन बुथ मूवी ने सेकंड वीक में कलेक्शन किया है जस्ट 1.15 करोड़। सो नाउ फोन बुथ मूवी ने टोटल लाइफ टाइम में कलेक्शन कर चुका है 13.91 करोड़, जो मूवी का बजट को देखते हुए सुपर फ्लॉप कलेक्शन है। एंड आपको बता दें फ्रेंड्स, अभी तक मूवी ने टोटल ओवरसीज से कलेक्शन किया है 2.05 करोड़, इसके चलते मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन हो चुका है 18.61 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, आप चलिए देखते हैं नेक्स्ट मूवी कलेक्शन। फ्रेंड्स, पीबीएस वीक में यानी 11th नवंबर 2022 में डायरेक्टर सूरज परजातिया एंड लीड रोल अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर एंड बोमन ईरानी का मूवी ऊंचाई मूवी ने ओपनिंग डे से ही इंडियन बॉक्स ऑफिस में बहुत बढ़िया तो नहीं, पर ठीक ठाक कलेक्शन किया था।
उंचाई मूवी ने ओपनिंग डे में कलेक्शन किया था 1.81 करोड़, जहां पर अच्छे खासे रिव्यू के चलते मूवी का ओपनिंग वीक कलेक्शन था 10.16 करोड़। एंड मूवी ने फर्स्ट वीक तक कलेक्शन किया है 17.02 करोड़, बट कल दृश्यम 2 जैसे बड़े मूवी रिलीज होने के चलते मूवी का कलेक्शन डिक्रीज हुआ है। मूवी ने कल यानी 8 डे में कलेक्शन किया है 1.31 करोड़। सो उंचाई मूवी ने टोटल लाइफ टाइम में कलेक्शन कर चुके है 18.33 करोड़, जो मूवी का बजट लगभग 35 करोड़ को देखते हुए अभी तक एक एवरेज कलेक्शन है। एंड मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताया तो फ्रेंड्स, मूवी ने अभी तक टोटल ऊपर से कलेक्शन किया है 4.03 करोड़, जिसके चलते मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन हो चुका है 25.85 करोड़, जो वर्ल्ड वाइड में भी अच्छा कलेक्शन नहीं है। तो फ्रेंड्स आप चलिए देखते हैं इस मूवी के साथ रिलीज हुआ हॉलीवुड फिल्म ब्लैक पैंथर वाकांडा फॉरएवर मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स वाकांडा फॉरएवर मूवी ने ओपनिंग डे से ही इंडियन बॉक्स ऑफिस में अच्छे खासे कलेक्शन किया है। मूवी ने ओपनिंग डे में इंडिया से कलेक्शन किया था 11.96 करोड़, जहां पर मूवी का ओपनिंग वीक कलेक्शन था 39.20 करोड़। एंड मूवी ने फर्स्ट वीक तक इंडिया से कलेक्शन किया है 51.50 करोड़, बट कल दृश्यम 2 जैसे बड़े मूवी रिलीज होने के चलते मूवी कलेक्शन डिक्रीज हुआ है। मूवी ने कल यानी 8 डे में इंडिया से कलेक्शन किया है 1.10 करोड़, इसके चलते इंडिया में मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 52.60 करोड़, जो इंडिया में एक सेमी हिट कलेक्शन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चलिए देखते हैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फ्रेंड्स लगभग $250 मिलियन बजट का वाकांडा फॉरएवर मूवी ने अभी तक टोटल वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन कर चुके हैं लगभग $417 मिलियन, यानी लगभग 3,399 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो वर्ल्ड वाइड में अभी तक तो एक ठीक ठाक कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स आप चलिए देखते हैं इस वीकेंड में रिलीज हुआ दृश्यम 2 मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स 18 नवंबर 2022 में डायरेक्टर अभिषेक पाठक एंड लीड रोल अजय देवगन एंड अक्षय खन्ना का मूवी दृश्यम 2 मूवी ने ओपनिंग डे से ही इंडियन बॉक्स ऑफिस में जबरदस्त कलेक्शन किया है। मूवी ने ओपनिंग डे में कलेक्शन किया है 15.38 करोड़, और इसके साथ ही ये मूवी राम सेतु मूवी को पीछे छोड़ते हुए ओपनिंग डे में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाला 4th हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुका है, जहां पर अभी तक का रिपोर्ट के अनुसार दृश्यम 2 मूवी 2nd डे में 20 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है कल यानी 3rd डे में इस मूवी का कलेक्शन लगभग 25 करोड़ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है आप मेरा कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आप चलिए देखते हैं इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। फ्रेंड्स दृश्यम 2 मूवी ने ओवरसीज मार्केट में भी अच्छे खासे कलेक्शन किया है। मूवी ने ओपनिंग डे में ओवरसीज कलेक्शन किया है 5.71 करोड़, जहां पर मूवी का टोटल ऑल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है 18.31 करोड़, सो नाउ मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुके हैं 24.02 करोड़, जो ओपनिंग डे में वर्ल्ड वाइड में एक ठीक ठाक कलेक्शन कह सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में चलिए देख लेते हैं कल यानी इस मूवी के साथ रिलीज हुआ मिस्टर मम्मी मूवी का कलेक्शन। फ्रेंड्स 18 नवंबर 2022 में रितेश देशमुख का मिस्टर मम्मी मूवी ने ओपनिंग डे में ही बहुत ही ज्यादा कमजोर कलेक्शन किया है। मिस्टर मम्मी मूवी ने कल यानी ओपनिंग डे में कलेक्शन किया है जस्ट 5 लाख, जहां पर मुझे लगता है आज और कल मूवी कलेक्शन मैक्सिमम 10 लाख हो सकते हैं। तो आगे देखेंगे ये मूवी और कितना कलेक्शन करते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में जितना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।